सो गाइस आज हम सभी लोग जा रहे हैं घूमने, तो पूरा घर खाली कर दिया हमने। मैं कहीं और जा रही हूँ, दीदी कहीं और जा रही है। ये दीदी को भाभी लेकर जा रही है। और भाभी भाभी तुम कब आओगे वापस? आ जाएंगी, जल्दी वापस आना। दीदी आज भाभी को लेकर लेकर जा रही है, भाभी के घर फर्स्ट टाइम जा रही है दीदी जाकर। और मम्मी मम्मी सारा घर खाली कर दिया है हमने, कोई नहीं है। मम्मी बुरा तो नहीं लगेगा? आज मम्मी को अकेला कर दिया है। कोई बात नहीं, दीदी वापस आ जाएंगी शाम को, है ना। और ये बेचारा निखिल है, ये जाने की जिद कर रहा है, इसको कोई नहीं ले जा रहा है। मुझे ले जाएंगी। इसको समझना नहीं, इसको समझ में नहीं आता कि सब अपनी अपनी फैमिली के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तुम भी अपने यहाँ जाओ, हम भी अपने यहाँ जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना किसी के भी साथ जाते हैं। और हमारी गाड़ी ये देखिए गाइस, ये तैयार है हमारी गाड़ी, इससे हम सभी लोग जाने वाले हैं। तो बाय बाय गाइस, निखिल बाय। तो दोस्तों हमने निकल दिया है घर से, आप देख सकते हैं ये हमारे ड्राइवर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि मुझे गाड़ी चला लेने दो, लेकिन ये लोग मुझे पता नहीं गाड़ी क्यों नहीं चलाने देते। फिर उसके बाद रास्ते में एक दीदी का मौसी की लड़की है, उनका घर पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं। वो चाट टिक्की बनाने का काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट लगी गाइस। इन लोगों ने मुझे चाट खिलाई ज़बरदस्ती, बट मज़ा आ गया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ टिक्की वगैरह बनाती हैं। ये दीदी के हाथों की चाट और टिक्की तो खाकर मेरा तो मन ही खुश हो गया। फिर हमने इनको बाय बाय शायद तय किया और जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं गाइस। ये आप देख सकते हो मेरे ताऊजी की लड़की आज हम आए इनके घर, और हनी हमको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत हमसे गले लग जाता है। ये आप देख सकते हैं कुछ तरह इसका रिएक्शन चल रहा है, किसिंग विसिंग कर रहा है मेरे को। हम लोगों को देखकर ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था गाइस, और हमें हनी बहुत प्यारा लगता है, इसको खिलाने में हमें बहुत मज़ा आता है। वी मिस यू हनी सो मच। इधर देखो मोबाइल में, हाय कर दो, हाय किसी दे दो। उसके बाद दीदी की कोचिंग क्लास का टाइम हो जाता है और वो बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। तो फिर मेरे माइंड में भी आता है कि क्यों ना मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा ही लूँ कि कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। वैसे मुझे बहुत हेडेक वाला काम लगता है, फिर भी मैंने ट्राई किया और सब बच्चों को पढ़ाया। फिर दीदी से जानकारी लेने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो हम लोग फटाफट से मेला देखने आ जाते हैं। और अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा शॉप नहीं लगी है, शुरुआत है। कहते हैं ना अभी थोड़ा थोड़ा करके भरेगा मेला, उस तरह का चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो खाली खाली से डला है। फिर लड़कियों का तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ पर भी कोई चीज़ दिख जाती है वो वहाँ लेना स्टार्ट कर देती है। फिर मुझे पर्स लेना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर्स की शॉप पर आ जाती हूँ, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पर मेरा कपड़ा फट जाता है, मेरा कुर्ता फट गया था गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैं तुरंत इस शॉप से चली जाती हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी चीज़ यहाँ से, मैं तो बस मेला झूला वगैरह झूल कर वापस से घर जाना है, मुझे तो हो गई मेरी शॉपिंग। फिर यहाँ पर हनी चश्मा लेने की जिद करता है और मैं लेकर ही मानता है। आप देख सकते हो ये चश्मा लगा कर कितना कूल लग रहा है, और बस मैं शॉपिंग करने आ जाती हूँ। मेरा मन नहीं माना कि चलो इतनी दूर आए हैं, कुछ ना कुछ लेकर तो जरूर जाऊँगी यहाँ से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हनी मिक्की माउस पर खेल रहा है, मेरा भी बहुत मन था लेकिन बड़े लोग अलाउ नहीं थे इस पर, इसीलिए फिर मैंने मन मार लिया। एंड देन देख सकते हो हनी का इन्जॉय चले रहा है, मेला तो सिर्फ बच्चों के ही होते हैं गाइस इन्जॉय करने के लिए। फिर हमने देखा कि चलो सर्दियों का मौसम आ रहा है, कुछ गर्म कपड़े ही खरीद लिए जाए। फिर यहाँ पर हम लोगों को कुछ स्वेटर्स पसंद आ चुके थे तो हमने वो ले लिए। यहाँ पर राकेश को भी ये पसंद आ गई थी तो इसने भी ले ली। फिर हमने आइसक्रीम खाई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जब तक हनी खेल रहा है तब तक जीजा जी भी खेलने लगे। दीदी जीजा जी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था इससे खेलने से। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर हम लोग घर आ जाते हैं और घर आकर देखा तो दीदी ने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया था हम लोगों के लिए। खाना खाकर तो गाइस मज़ा ही आ गया, बहुत जोर से नींद भी आ गई थी, इसलिए हम लोग सो गए थे। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।